राशन रिफाइन है चना है नमक है। नमक है अब नमक खाए के नवाई रो है। चुनाव वोट किधर दियो? मोदी मोदी मोदी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे जी के ढालेपुर गांव में हैं, जो कि सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहां के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए चर्चा करते हैं यहां का वोटर क्या सोचता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको वोट करना चाहता है। दादा सबसे पहले आप ही पूछते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, विधानसभा चुनाव आ रहा है, किसको वोट करना चाहेंगे? अरे भैया जी का कहीं दिखा दाढ़ी दिखा यार को मतलब बताएंगे नहीं बताएंगे दद्दा बताएंगे नहीं अपना वोट जो है। भैया मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक मिनट, कहाँ से आ रहा है? सड़ियापुर से। मामा बोले। अच्छा अच्छा दद्दा, ये बताओ विधानसभा 2022 में किसको चुनना चाहेंगे आपकी बार? हमें पहले बार समझाओ। बात यह है चुनाव चुनाव आई रो है, चुनाव वोट किधर दियो आपकी? मोदी मोदी मोदी। अरे क्या बात है, मतलब क्या है मोदी का दियो? मोदी मोदी मोदी। आपकी बात मोदी वोट दी दत्ता, ये तो कह रहे मोदी दी, आप किधर दियो? अच्छा बताओ भैया, बुराई कोई तुम नहीं दियो, आप किधर दियो भैया? क्या नाम है? क्या नाम? रवि। रवि रवि जी, किधर वोट करना चाहेंगे 2022 में? मोदी दियो। मोदी दियो का यार, मोदी का दियो? अगले ने बहुत विकास करवाए, फिर मोदी मोदी चिल्ला था। लोग कह रहे गैया छोड़ दें यार योगी, तो वही आई तो करके तुम्हारी। अच्छा अपने लोगों का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भैया ट्रैक्टर वाले आए रहे भैया, और रुक जाइए जरा। भैया जरा ट्रैक्टर 2 मिनट के लिए बंद कर लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब जाओ, आप जल्दी में हो, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। देखिए हम ढालेपुर गांव में खड़े हैं और यहाँ नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी। यहाँ के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, शायद पूरी तरीके से खुल के नहीं बताना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे। यहाँ जिसके सामने माइक जाता है वो कहता है भैया बताएंगे नहीं। क्या नाम है भैया आपका? अरे बोलो। चंद्र कुमार मेरा नाम है। चंद्र कुमार जी, 2022 में किसको वोट करना चाहेंगे? बनवारी लाल दोहरे जी को देंगे। बनवारी लाल दोहरे, अगर माना की बनवारी लाल दोहरे टिकट नहीं मिलती तब? तब दोगे मोदी को? मोदी को, मतलब आपका वोट पक्का। कुल मिलाकर अगर ढालेपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें 70-80% जनता योगी की ओर और बनवारी लाल दोहरे की ओर ही जाती हुई नजर आती है। एक जगह और चौपाल हमने लगाई, वहाँ भी यही नजारा देखने को मिला। हमारे साथ और भैया है, क्या नाम है भैया आपका? राम किशोर। किसे वोट करना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी यानी वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अभी मेरे सहयोगी ने कहा 40 वोट मिले अखिलेश को, भैया मेरे कहने लगे 40 कैसे मिले? अब यहाँ तो कोई साइकिल वाला दिख ही नहीं रहा हमें, साइकिल वाला को यह बोलना नहीं चाहता, सरकार की वजह से शायद नहीं बोलना चाहता है वोटर, इस है इसी बात। हाँ बताना नहीं चाहता, कुल मिला के छुपा हुआ साइकिल का वोट है, खुला ही हुआ योगी का वोट है। अगर हम सदर विधानसभा के अंतर्गत ढालेपुर की बात करते हैं तो यहाँ 70-80% जनता जो है योगी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है, और अखिलेश की तरफ जो भी यहाँ वोटर है वो बताना नहीं चाहता है कि हम अखिलेश को वोट देंगे या हम अनिल दोहरे को वोट देंगे। उसका कारण कुछ भी हो, फिलहाल हमारे सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ योगी और मोदी का नाम ही यहाँ की जनता ले रही है। बनवारी लाल दोहरे का पैतृक गाँव है ये ढालेपुर, और ढालेपुर में हम खड़े हैं। यहाँ जब हमने नब्ज टटोलने का प्रयास किया तो यहाँ निकल करके सामने आया कि यहाँ 80% जनता जो है वो योगी और मोदी को चुनना चाहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम उतार। राम उतार जी, विधानसभा चुनाव आ रहा है, किसको वोट करना चाहेंगे? हम, हाँ हम भाजपा के दी भाई। भाजपा का है दादा, भाजपा का है दियो? भाजपा हमारा, हम किसान लोधी हैं। हाँ हमारा मानू नहीं जाए किसी। अच्छा, मतलब आप वर्मा लोधी हैं राजपूत, आपका वोट मतलब भाजपा में ही माना जाएगा? माना जाएगा, ये बात है। मतलब बाईकास्ट भैया बड़ा मुस्किया रहे, कहाँ जा रहे, क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ, कन्नौज जा रहे हैं? कन्नौज जा रहे हैं। अच्छा बड़ी देर बंद कर लो, हमें ये बताओ कि विधानसभा 2022 लगा है, अब चुनाव आने वाला है, तो किसको वोट करेंगे? तो मोदी में भाजपा में जाएगा, भाजपा में जाएगा। काहे? काहे बता मैं, मतलब हमको कुछ कारण नहीं है? नहीं कारण दिए हैं, किसान लोगों को है कुछ फायदा। अच्छा राजपूत हैं? हाँ मेन बात है, मतलब इनका वोट कहीं गिना नहीं जाएगा, बीजेपी के अलावा अगर ये साइकिल में वोट करते हैं तो वहाँ इनकी गिनती नहीं है। भैया यादव नहीं कोई है? यादव जी है, मेरे बोलना ही रहे आप हैं। हाँ आप भैया, आप आए बढ़िया। आप ये बताओ क्या नाम है? हमारा अमित यादव। अच्छा ये बताओ किसको वोट करेंगे? वोट तो अपना होना चाहिए। कहाँ? साइकिल।
साइकिल अब ये सब लोग तो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट कर जाए सब कहो जाए हम तो साइकिल मतलब योगी तो बहुत राशन दे रहा है और वो चना दे रहा तेल दे रहा नमक काली राशन तेरे को टिप डाल रहे खाल रही सब राशन लाए राशन लाए राशन में क्या क्या मिला राशन दे फाइन है चना है नमक है नमक है अब नमक खाए कि नमक तो नालिम भाई ये बात नमक ने खाया नमक भाई ना हमने खाया इन्होंने योगी जी का नमक नमक वोट फारक ले वोट फारक ले अनिल दोहरे विधायक बनाएंगे विधायक बनाएंगे फिर एक भैया इसे मिले जो क्यों भैया ये तो अखिलेश कह रहे हैं आपको कह रहे हैं हम योगी दी आप बताओ नमक तो भाई आप बताओ अब तो आप बोलो भाई हम क्या बोले मतलब इनकी मर्जी अपने अपने कुल मिलाकर ढालेपुर की अगर बात करते हैं तो ढालेपुर में जो पैतृक गांव है बनवारी लाल दोहरे का वहां से यही निकल करके आता है कि यहां ज्यादातर वोट बीजेपी का ही साइकिल मतलब साइकिल जीत है मतलब साइकिल जीती है अच्छा जिला पंचायत तक में साइकिल वोट निकलो है ज्यादा अच्छा।